नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे जीके राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि विदित है, दातव्य है कि हम रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही धुआंधार प्रश्नों के साथ आपके सामने आते हैं। और आज फिर हम आपके सामने एक बहुत कठिन गद्यांश अनुच्छेद लेकर के आए हैं और इन अनुच्छेदों से 5 से 7 प्रश्न आपकी रीट परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। आपकी रीट परीक्षा का जो अभी तक का सिलेबस है उसके अनुसार यदि ध्यान दें तो महत्वपूर्ण है कि 2 अनुच्छेद निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। एक अनुच्छेद से अनुच्छेदात्मक प्रश्न, दूसरे अनुच्छेद से संध्यात्मक, व्याकरणात्मक, गद्यात्मक प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। तो हम उन सभी को पूरा करने की पूरी तैयारी में आए हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग जल्दी से लाइव हो जाएं और देखें, बहुत ही धुआंधार प्रश्न आज मैं आपको करवाने वाला हूं। पहले हम लोग गद्यांश करने के पहले ये पूरा का पूरा प्रश्न मैं आपको दिखा दूं। आप देखिए, आपके स्क्रीन पर ये सभी प्रश्न है। एक बार आप सारे प्रश्नों को देख लीजिए मेरे भाई, सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिए। मैं लगभग 10 प्रश्न आपको कराने वाला हूं आज मैं आपको लगभग 10 प्रश्न करवाने वाला हूं। और 10 प्रश्न क्यों कह रहा हूं वो आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। कारण ये है कि मूलतः जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं ये आज दूसरे प्रकार के हैं। दूसरे प्रकार मतलब कैसे, जरा ध्यान दीजिए। हम लोग जब अनुच्छेदों को हल करते हैं तो मैंने आपको हल करने का क्या तरीका बताया है मेरे भाई, हल करने का यह तरीका है कि पहले प्रश्नों को पढ़ लिया जाए। जब हम प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों को पढ़ने के बाद हम गद्य पर जाते हैं, फिर गद्य पर चर्चा करते हैं मेरे भाई। तो प्रश्न क्या है, संसार के सभी देशों के शिक्षित व्यक्ति, 4 विकल्प। जब प्रश्न पढ़ लेंगे उसके बाद अनुच्छेद पढ़ने का लाभ यह होता है कि प्रश्न के बाद अनुच्छेदों पर जब जाते हैं तो अनुच्छेद में केवल वहीं पर हमारा ध्यान जाता है जिस प्रश्न का हमें उत्तर चाहिए। तो प्रश्न पढ़ते समय ध्यान भी दें। कह रहा है संसार के सभी देशों के शिक्षित व्यक्ति, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। तो जरा एक बार आइए पढ़ लेते हैं हम गद्यांश को। देखिए गद्यांश क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए मेरे भाइयों। संसार के सभी देशों के शिक्षित व्यक्ति की पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम करता है। देखिए मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ही एकमात्र दुनिया का सबसे अभागा देश है जिसकी आज तक कोई राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। दुनिया के बाकी देशों में अंग्रेजी का वो स्थान नहीं है, अंग्रेजी का वो रुतबा, वो हनक कायम नहीं है जो हिंदी पट्टी के छात्रों में जिस प्रकार अंग्रेजी की हनक है उस प्रकार बाकी अन्य देशों में नहीं है मेरे भाई। अन्य देशों में अंग्रेजी को वो तवज्जो नहीं दी जाती जो हमारे भारत देश में दी जाती है। आप किसी भी देश की बात कर लें, वहां पर उनकी अपनी लोकल भाषा में ही कार्य होते हैं, लोकल भाषा में ही व्यक्तियों को बातचीत करने, कार्यालयी काम करने और शिक्षा संबंधी, रक्षा संबंधी अथवा न्याय संबंधी कार्यों के लिए वो अपनी लोकल भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी यही बनती है। परंतु भारत मात्र एक अभागा ऐसा देश है जिसका आज तक राष्ट्रभाषा निर्धारित नहीं हो पाया, और अगर हम नहीं चाहेंगे तो निर्धारित भी नहीं होगा। उसके लिए हम ही को एकजुट होकर के आप आज देखिए, ईमानदारी से बताइए मेरे भाई, क्या सभी को हिंदी भाषा में महारत हासिल है? सभी को हिंदी भाषा में महारत हासिल नहीं है, शुद्ध शुद्ध उच्चारण तक लोग नहीं कर पाते हैं। तो कैसे आप अपनी भाषा को समृद्ध और शक्तिशाली बनाएंगे मेरे भाई? तो देखिए क्या है गद्यांश, आज बड़ा खूबसूरत गद्यांश मैं आपके सामने लेकर आया हूं। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान यह होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह समझा जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो। ध्यान दीजिए मेरे भाई, अन्य देशों में क्या होता है, वह व्यक्ति शिक्षित है जो अपनी भाषा से प्रेम करता हो, अपनी भाषा की पुस्तकों को पढ़ता हो, अर्थात उसका संग्रह करता हो,
और जिसे बराबर यह पता रहे कि उसकी भाषा में अच्छे लेखक और कवि कौन है। क्या आपको पता है कि हिंदी भाषा के अच्छे लेखक और अच्छे कवि कौन है? वर्तमान एक महीने के भीतर, एक महीने के अंदर कौन सी अच्छी हिंदी भाषा में कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई कविता आई, क्या आपको उनका नाम पता है? नहीं पता मेरे भाई। तो आप कैसे कहते हैं कि हिंदी दुनिया की सबसे समृद्ध भाषा हम बना लेंगे? ऐसे नहीं बनेगी। आपको उस भाषा के साथ उठना बैठना पड़ेगा, उस भाषा के साथ बात व्यवहार में आना पड़ेगा, उस भाषा के साथ समय बिताना पड़ेगा। अब देखिए, कह रहे हैं समय समय पर उनकी कौन सी कृतियां प्रकाशित हो रही हैं। भारत में स्थिति दूसरी है, यहां प्रायः घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका नहीं दिखाई पड़ती। यह दुर्व्यवस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है किंतु वह सुदशा नहीं दुर्व्यवस्था ही है। जब तक यह दुर्व्यवस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने से ठीक ठीक न्याय संगत अधिकार नहीं है मेरे भाई, ठीक ठीक न्याय संगत अधिकार नहीं है। देखिए यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए, मैं चार विकल्प आपके सामने रखता हूँ, प्रश्न रखता हूँ और प्रश्नों से हम अपने गद्यांश को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न ध्यान से सुनिए मेरे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनिए और अपनी संख्या में वृद्धि करते रहिए मेरे भाई, अपनी संख्या में वृद्धि करते रहिए, अपने सभी दोस्तों को बताते रहिए कि 8 बजे हिंदी की कक्षा में लाइव आते हैं विवेक सर और जीके राजस्थान के चैनल पर हिंदी के कठिन से कठिन, जबरदस्त से जबरदस्त और रीट परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह कराया जा रहा है। तो एक बार झोंक के शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि हम लाइव है, प्रश्न शुरू हो चुका है। पहला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन पर, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति क्या होते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं? चार विकल्प, अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं कि उच्च पदों पर आसीन होते हैं। यदि मेरे भाई आपने बहुत ध्यान से, यद्यपि आपने बड़े ध्यान से पढ़ा विकल्पों को, अपने गद्यांशों को पढ़ा, तो देखिए पहला विकल्प एकदम सही है। आपको कहीं इर्द गिर्द जाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार गद्यांश को देख लिया सीधा उत्तर। सभी क्या होते हैं? संसार के सभी देशों के शिक्षित व्यक्ति क्या होते हैं? अपनी भाषा में दक्ष होते हैं मेरे भाई, अपनी भाषा में दक्ष होते हैं। तो जो हमारा विकल्प सही हुआ वो विकल्प ए सही हो गया, अपनी भाषा में दक्ष होते हैं। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, रेखांकित पर अर्थ बताइए। चार विकल्प है, संदेह रहित है, निश्चित है, सुनिश्चित है, अनिश्चित है। क्या होगा? कह रहा है प्रश्न को समझे पहले, प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध होती है ना, अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध होती है, असंदिग्ध होती है, उसके लिए एक अर्थ बताइए। क्या होगा? अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध होती है उसके लिए एक शब्द में उसे क्या कहा जाएगा? कह रहे हैं कि अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पर अर्थ है। इसमें रेखांकित शब्द है संदेह। देखिए यहां पर क्या, दक्षता क्या हो? असंदिग्ध हो। असंदिग्ध का मतलब क्या हो? संदेह रहित हो। असंदिग्ध पर अंडरलाइन था, असंदिग्ध पर अंडरलाइन था, और पूछ रहे थे कि अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो का अर्थ है, तो असंदिग्ध अर्थात संदेह रहित हो। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मेरे भाई, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कौन एक वचन है? चार विकल्प, आप देखिए, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि गद्यांशों में से भी कुछ प्रश्न गद्यांश के होते हैं और कुछ प्रश्न व्याकरणात्मक होते हैं। तो ऐसा नहीं कि गद्यांश पूछ रहा है तो हिंदी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे मेरे भाई फोन करते हैं, कहते हैं सर हिंदी पढ़ने की क्या जरूरत है, गद्यांश ही तो आता है, उसी में से उत्तर खोज लेंगे। लेकिन उन्हें शायद ये ज्ञान नहीं है कि उसी गद्यांश में से जब व्याकरणात्मक प्रश्न पूछे जाएगा तो धुआं निकल जाएगा मेरे भाई। ध्यान दीजिए, अब कह रहे हैं कौन एक वचन है, कौन एक वचन है? अच्छे लेखक, कौन सी कृतियां, अपनी मातृभाषा या अन्य देश? चार विकल्प है मेरे भाई, चार विकल्प, चार विकल्प में से आपको बताना है कि कौन एक वचन है, कौन एक वचन है ये आपको बताना है, कौन एक वचन है ये आपको बताना है। बताइए,
बताइए मेरे भाई, अगर आपने बीएसटीसी की कक्षाओं को देखा हो तो हमारी बीएसटीसी की कक्षा सुबह 2:30 बजे चलती है, उसमें हमने इस तरह के बहुतेरे प्रश्न करवा रखे हैं। वहां पर हमने इस प्रश्न की व्याख्या किया था कि अपनी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, ये सभी सदैव एक वचन होते हैं मेरे भाई, सदैव एक वचन होते हैं। तो अपनी मातृभाषा एक वचन है, क्या है? एक वचन है मेरे भाई, एक वचन है। मेरे सभी भाई बहन एक बार ध्यान दें, वीडियो को एक बार जरा सा लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि कक्षा प्रारंभ हो गई है, कक्षा प्रारंभ हो गई है मेरे भाई। मन लगा करके लग जाइए, पूरी ताकत पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइए, और इस बार रीट परीक्षा में चयनित होना है तो मेहनत पीछे मत हटिए। मैंने आपको इसके पहले भी बहुत सारी चीजें बता रखा है, रीट परीक्षा में प्रबल दावेदारी दिखानी है। जीके राजस्थान पर 8 बजे लाइव आइए। हिंदी की कक्षा लगातार चल रही है, संस्कृत की कक्षा चल रही है, आपके जीके के राजस्थान में जीके का प्रश्न चल रहा है, जीके के पूरे पेपर कराए जा रहे हैं, जीके की सकला संस्कृति के प्रश्न हो रहे हैं, सीडीपी की कक्षाएं चल रही हैं, आपके रीजनिंग की और मैथ की जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं, आप देख पा रहे होंगे। आप देखिए कौन सा शब्द पुलिंग नहीं है, ध्यान से सुने, कौन सा शब्द पुलिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आजकल नहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछ रहा पुलिंग नहीं है, ये नहीं पूछ रहा पुलिंग है, पूछ रहा है पुलिंग नहीं है, अर्थात क्या है? स्त्रीलिंग है। अब आपको यह बताना है कि चारों विकल्प में स्त्रीलिंग कौन है, बताएं स्त्रीलिंग कौन है भाई, उत्तर दें। व्यक्ति स्त्रीलिंग होता है? नहीं। भाषा स्त्रीलिंग होती है? लेखक स्त्रीलिंग होता है कि उपकरण स्त्रीलिंग होता है? मैं आपको बता दूं कि भाषा सदैव एक वचन, और सदैव, जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिंग नहीं है अर्थात स्त्रीलिंग है, तो भाषा सदैव स्त्रीलिंग रहती है मेरे भाई, भाषा सदैव स्त्रीलिंग रहती है। आज मैं प्रश्नों को बहुत तेजी के साथ करा रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग समय बहुत जाया कर देते हैं, इसलिए हम प्रश्नों को बहुत तीव्र गति से हल करा रहे हैं आज के समय में। चलिए देखिए, तो हमने आपको बताया कि कौन सा शब्द पुलिंग नहीं है, तो भाषा के लिए दो चीज याद रखें, एक तो सदैव एक वचन और दूसरा सदैव स्त्रीलिंग, ये दो चीजें भाषा के परिप्रेक्ष्य में मेरे भाई जरूर ध्यान रखिएगा, भाषा के परिप्रेक्ष्य में ये दो चीजें जरूर ध्यान रखें। हमारा अगला प्रश्न, पुस्तक का बहुवचन, पुस्तक का बहुवचन बताएं मेरे भाई, पुस्तक का बहुवचन, पुस्तक का बहुवचन बताइए, पुस्तक का बहुवचन क्या है, पुस्तक का बहुवचन क्या है मेरे भाई, आपको पुस्तक का बहुवचन बताना है, यानी पुस्तक किसमें है, एक वचन में है, इसका बहुवचन बनाना है। तो एक वचन से बहुवचन बनाना आपको आता है कि नहीं आता? पुस्तक का पुस्तकें, पुस्तकालय, ये देखिए एक सिरे से खारिज करिए, ग्रंथ बिल्कुल नहीं, पत्रिकाएं बिल्कुल नहीं, तो सही उत्तर क्या हो गया, पुस्तक का पुस्तकें या पुस्तक का पुस्तकों, देखिए पुस्तकों। अब देखिए कब पुस्तकें और कब पुस्तकों गलत नहीं है, लेकिन समस्या क्या है ना, समझिए थोड़ा सा बात को, सभी पुस्तकें मेज पर हैं, बहुवचन है पुस्तकें, सभी पुस्तकों को ग्रंथालय पहुंचा दिया गया है, तो दोनों सही है, ये भी बहुवचन ये भी बहुवचन। परीक्षा में एक बार पूछा, पुस्तकों पुस्तकों पुस्तकें पुस्तकों पुस्तक पुस्तक, इनमें से एक वचन छाटिए, तो पुस्तक एक वचन था, मैं आपको बता रहा हूं तो ध्यान से सुने, आपके परीक्षा का प्रश्न है, पुस्तक एक वचन है, इसके बाद बन गया पुस्तकों या पुस्तकें, दोनों बहुवचन है मेरे भाई, दोनों बहुवचन है। इस तरह आप अगले प्रश्न की ओर पहुंचते हैं, हमारा अगला प्रश्न भी पुलिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित है मेरे भाई, पुलिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित है, उत्तर दीजिए उत्तर दीजिए। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कवि का स्त्रीलिंग
कम से कम 5 से 6 बार इस प्रश्न को रीट परीक्षा में रिपीट किया जा चुका है। ध्यान दीजिए मेरे भाई, इस प्रश्न को परीक्षा में 5 से 6 बार रिपीट किया जा चुका है। कई कई बार मैं बता चुका हूं कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। 4 विकल्प हैं आपके स्क्रीन पर, मैं चाहूंगा जल्दी से उत्तर दीजिए बिना देरी किए हुए। मेरे भाई बहन उत्तर दें, सभी भाई बहन उत्तर दें मेरे भाई। कवि का स्त्रीलिंग है क्या? कवि का स्त्रीलिंग कवि ही होगा, लेखिका होगा। देखिए लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका है, ध्यान दीजिए लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका है। और कवयित्री होता है कि कवयित्री होता है, तो ध्यान दीजिए कवयित्री कोई शब्द नहीं है, सरासर गलत है। क्या सही है? कवयित्री, हमेशा याद रखिएगा कवयित्री एकदम सही विकल्प है मेरे भाई, एकदम सही विकल्प है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा, डी विकल्प मेरे भाई एकदम सही है, कवयित्री। मैं आपको बता दूं इस पूरे पेपर का पीडीएफ लेने के लिए आप हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पर सर्च करिए जीके राजस्थान, वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां से आप हमें सीधा ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पाते तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहां से आप हमारी लिंक में भी नीचे दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाता है, नीले रंग का कुछ लिखा हुआ मिलेगा, उस पर जैसे ही आप टच करेंगे छुएंगे तुरंत आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाएंगे। लेकिन तब जब आपके फोन में टेलीग्राम इंस्टॉल हो। टेलीग्राम क्या होता है बहुत से बच्चे तो यही नहीं जानते, तो व्हाट्सएप चलाते हो ना मेरे भाई, उसी तरह टेलीग्राम एक ऐप होता है जो इंडियन ऐप है, भारतीय ऐप है, उससे बेहतर और भी नई नई चीजें आप कर सकते हैं उसमें, तो उसे डाउनलोड करिए और सीधा वहां पर हमें ज्वाइन करिए। इसका पूरा पीडीएफ आपको वहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, भारत में स्थिति दूसरी है, इसका भूतकालिक रूप पूछ रहे हैं भूतकालिक रूप क्या होगा। कह रहे हैं कि भारत में स्थिति दूसरी है, भूतकालिक मतलब क्या? था, बीत चुका था, हो चुका था। अब देखिए 4 विकल्प, भारत में ऐसी स्थिति थी, जब प्रश्न ही बदल दिया तो पूरा गलत। कह रहे भारत में स्थिति दूसरी थी, सही लग रहा है। और देखते हैं भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति ऐसी थी, गलत। तो 2 विकल्प को तो आप एक सिरे से खारिज कर पाते हैं। अब आप देखें तो यहां में है लेकिन यहां की लगा दिया, तो ये वाला विकल्प भी गलत। देखिए मैं आपको अगर ये सिखा पाया कि विकल्पों को कैसे काट कर अलग कर देना है, तो जो वाला विकल्प सही है वहां तक तो आप खुद बखुद पहुंच जाओगे मेरे भाई। अब देखिए बी विकल्प बिल्कुल सही है, भारत में स्थिति दूसरी थी, कह रहे थे भारत में स्थिति दूसरी है, बस उठा करके है को ठीक कर दिया और क्या बन गया मेरे भाई, थी करते ही भूतकालिक बन गया। भूतकाल मतलब बीता हुआ, क्या? बीता हुआ। भूतकाल मतलब क्या? बीता हुआ। तो वहां पर आप क्या कर देंगे, जो समय बीता हुआ है उसे आप कह देंगे कि ये क्या है, भूतकाल है। आप देखिए बड़ा जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अब आप इसका उत्तर दीजिए मेरे भाई, उत्तर दीजिए। सुहावना सुहावना लिखाई छलिया। अब देखिए यहां पर प्रत्यय 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 सब में प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है, मैंने तरीका बताया था प से पीछे, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लग करके उनके अर्थों में परिवर्तन कर देता है। आप देखिए पूछ क्या रहा है, सही विकल्प, अच्छा प्रत्यय पूछ ही रहा है, चलिए बहुत अच्छा। 4 विकल्प, अवना खाई या वना आई या आवना ई या आवना आई या, 4 विकल्प। तो देखिए जरा ध्यान से समझिए क्या क्या विकल्प दिए हुए और उत्तर देने की कोशिश करिए मेरे सभी भाई।
आप देख पा रहे होंगे सुहावना, तो इसमें आवना क्या है? सुहावना, सुहाधन आवना, सुहावना। लिखाई तो क्या है? लिखाई। ये देखिए आ की मात्रा, और चूंकि यहां बड़ी है तो आई प्रत्यय, छलिया तो क्या हो जाएगा? इया प्रत्यय। क्या हो जाएगा? इया प्रत्यय। क्या? इया प्रत्यय। क्या हो जाएगा? छलिया, इया। तो क्या हो गया? आवना, आई, इया। देखिए चारों विकल्पों में कहां है आवना, ये तो पहले ही काट दीजिए। ये रहा आपका चौथा विकल्प, बिल्कुल सही है विकल्प डी, आवना, आई, इया। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, ये वाला विकल्प बिल्कुल सही दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम मैंने आपको बताया था ना कि तत्सम क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों। तत्सम का शब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्यों का त्यों। तो इसका मतलब हो गया ज्यों का त्यों। तो बताइए कौन सा तत्सम है? चार विकल्प हैं आपके सामने, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो आप देख पा रहे होंगे डी विकल्प बिल्कुल सही है, अमूल्य। अमूल्य पहले से ही तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा अमोल। क्या हो जाएगा? अमोल। अमोल का तत्सम हो जाएगा अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो, अमोल जिसका कोई मोल ना हो। ठीक है, अब कहेगा कि अमोल का आप विपरीतार्थी बताइए, तो कह दीजिएगा मोल। अब बाकी चारों क्या है? बाकी चारों क्या है? मां, मछली, केला, ये सभी पूछ रहा था ना तत्सम है, तो ये सब कौन 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 सा शब्द तत्सम है? तो एक ही तत्सम था, तो बाकी सभी तद्भव है, तो इनका तत्सम देख लीजिए। मां का माता, मछली का मत्स्य, केला का कदली। क्या हो जाएगा? कदली। दक्षिण भारत में इसी को कडली बोलते हैं, क द की जगह ड बोलते हैं। मां का माता और मछली का मत्स्य हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? मत्स्य, मछली का मत्स्य हो जाएगा। तो ये रहे आपके सामने सारे विकल्प। अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अंतिम प्रश्न मेरे भाई, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं कहलाते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी कि संस्कृत से उत्पन्न शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? कई बार बता चुके हैं, इसलिए कई बार बता चुके हैं मेरे भाई, क्योंकि ये परीक्षा में 5-6 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप देख पा रहे होंगे संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। आज के लिए दोस्तों हम प्रश्न को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा अगला वीडियो आपको कल मिलेगा। BSTC की कक्षाएं भी हमारे 2:30 बजे से चल रही हैं और रीट की कक्षाएं भी 8 बजे से चल रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।